और अब बात करेंगे सियासी सरगर्मियों की। बल्ले का इंतखाबी निशान लेना है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के इंट्रा पार्टी इलेक्शन आज होंगे। बैरिस्टर गौहर खान के बतौर पार्टी चेयरमैन कागजात जमा। पीटीआई के बानी रहनुमा अकबर एस बाबर भी इंतखाबात में हिस्सा लेने मरकजी सेक्रेटेरिएट पहुंचे। कहा कई बानी अरकान इलेक्शन में भरपूर हिस्सा लेना चाहते हैं। तहरीक इंसाफ में इंट्रा पार्टी इंतखाबात। बैरिस्टर गौहर चेयरमैन तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार। कागजात नामजदगी जमा करा दिए। बैरिस्टर गौहर को बानी चेयरमैन तहरीक इंसाफ ने नामजद किया। कागजात नामजद रिटर्निंग अफसर सरदार मसरूफ खान एडवोकेट ने वसूल किए। चीफ इलेक्शन कमिश्नर तहरीक इंसाफ नियाजुल्ला नियाजी एडवोकेट भी इस मौके पर मौजूद थे। बानी रहनुमा अकबर शेर बाबर 13 साल बाद पीटीआई के मरकजी सेक्रेटेरिएट इस्लामाबाद पहुंच गए। कहा कई बानी अरकान इलेक्शन में हिस्सा लेना चाहते हैं। तर्जुमान तहरीक इंसाफ का कहना है कि कानून का एहतराम करते हुए तहरीक इंसाफ ने इलेक्शन कमीशन के फैसले पर इंट्रा पार्टी इलेक्शन का इनका सब्सक्राइब करें और बेल दबाए ताकि कोई खबर रह न जाए।